चलिए सीधे अपनी चलते रायपुर, जहां पर यहां पर कांग्रेस की कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, बैठक हो रही है और इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाएगी। ये बात चर्चा में तो नहीं आई है, लेकिन सीमा जो है अब राशन कार्ड धारियों के लिए 5 लाख तक की सभी राशन कार्ड धारियों के लिए जो अंत्योदय राशन कार्ड धारी है उनके लिए हो गई है। अन्य नागरिकों के लिए जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 50,000 की थी वो बरकरार रही। मेडिकल डिजीज और जो रेड कॉरिडोर है उसको लेकर भी कोई बात नहीं है क्या कैबिनेट? इसमें चिन्हांकित बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख तक की सीमा, ये बहुत बड़ा निर्णय मंत्रिमंडल ने आज लिया है कि 20 लाख रुपए तक का लिवर का हो गया, अन्य उपचार के लिए हो गया, कॉकलियर जो ईयर ट्रांसप्लांट का था वो 6 लाख का था, वो 5 लाख की सीमा में नहीं आता था, तो 5 लाख की सीमा तक का ये पृथक है। 5 लाख की ऊपर की जो व्यवस्था आएगी वो 20 लाख तक की चिन्हांकित बीमारियों के लिए, वो 20 लाख तक का मंत्रिमंडल ये सूची आपको जारी करके बता दें। दो योजना रहेंगे, मुख्यमंत्री सहायता वाला और दूसरा रेड कॉरिडोर, तो हेल्थ केयर वाला वही है क्या मुख्यमंत्री उस दिशा में? हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक परिकल्पना है, ये योजनाएं हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ केयर तक पहुंचने के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा आज कैबिनेट ने की है, निर्णय लिया है कि 20 लाख रुपए तक का चिन्हांकित बीमारियों के लिए राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराएगी और समस्त अंत्योदय राशन कार्डधारी और उनके साथ जो गरीबी रेखा में माने गए 1 रुपए वाले राशन कार्डधारी सबको 5 लाख रुपए तक की सीमा का इलाज का इसमें वर्तमान में बजट 845 करोड़ उपलब्ध है, हम लोगों ने एक भी नया पैसा एक्स्ट्रा अभी नहीं मांगा। कब से हो जाएगी लागू ये इसको देखना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक्स 1 जनवरी से होगा, डेट आपको अनाउंस कर दें। और पंचायत चुनाव को लेकर संशोधन में अगली बैठक डेंगू को लेकर चर्चा हुई थी, इसमें माननीय शिव डहरिया जी ने अपने विभाग से 50 लोगों की भर्ती के लिए रायगढ़ में जहां विशेष बात आई थी वहां पर मैन पावर अतिरिक्त दिया था जो शायद कहीं नहीं उपलब्ध कराया होगा, तो विशेष एक प्रावधान साफ सफाई के लिए उसमें किया गया है और सतत निगरानी और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी। जैपनीज एंसेफेलाइटिस के लिए जो सुकमा जिला बहुत ज्यादा प्रभावित होता था, इस वर्ष शासन ने 70,000 करीब इनोकुलेशन इंजेक्शन टीकाकरण करके वहाँ ये जो सेवा उपलब्ध कराई है।